पप्पू की दुलही, धोनी के दूध की मस्त चाय पिया बा। लाई थे मम्मी जी। गाय को धोने के लिए भी बाहर से आदमी बुलाएं? अरे मोबाइल में काहे नहीं घुसाते हो पूरे के पूरे? दूध भी कौन है? तुम्हारा बाप ही दुहेगा का? अरे कौन से नक्षत्र में पैदा हुए? हमारे हिस्से में आने थे इनको, क्या करें इनका। अरे दही मारा के पूरा दूध गिरा दी। हमको पता था ये होने वाला। तुम ही जाने हो इस नाकिस को। अरे काम के नकाज के दुश्मन अनाज के। अरे इतना सा काम तो ढंग से कर लो। दूध तक मारेंगे पकड़ के, किसी काम का नहीं है। हाँ तो आप ही अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ लिए हैं जो दूसरों को बोलते हैं। अरे भाग दे मारा के। जब से पैदा हुआ है हमारी जिंदगी जन्म बना के रख दी है एकदम। मादर चोद, मेरी माँ को गाली मत दीजिए, समझे? अपनी माँ को दीजिए। भाग दे मारा के। देख रही हो बड़ों से ऐसे सौर से बात करते हैं साले अकारत। कम से कम बड़ों से बात करना तो सीख ले हराम जादे। यार हमको मिलके खाइए मत आप लोग। बाप से मुंह लड़ाता है। किस्मत देखो भाई, न बाप अमीर है, न माँ सरकारी नौकरी में, और न बहन कुछ करती है, कुछ पैसा नहीं कमाती। सबके सब फूल अकारत निकल गए। भाई पैसा होता तो आज लड़की भी होती। भाई कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या जिंदगी भर हम लोग वर्जिन ही रहेंगे क्या? मादरचोद 28 साल का हो गया हूँ भाई, लड़की को आज तक छुआ तक नहीं हूँ, छुआ तक नहीं। लोगों के जीवन में प्यार होता है, लोगों की गर्लफ्रेंड होती है, गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं और फिर नशे में सेक्स करते हैं भाई। हाँ भाई, नशे में सेक्स करने में कितना मजा आता होगा। हमारे जीवन में पार्टी के नाम में 6 महीने में एक बार छुप छुपा के बियर पी लो, चखने के नाम पे अंकल चिप्स, और नशे वाले सेक्स के नाम पे रुंझुन के नाम का मुठ मार कर सो जाओ बस। भाई यार रुंझुन बिलो का सच्चा प्यार है, और बिल्लू अपना सच्चा दोस्त। अरे लोड़ा यार, रुंझुन कौन से बिल्लू से प्यार करती है, हैं? ऐसे तो मैं जैकलीन, प्रियंका, सलमान भाई सबके नाम का मुठ मारा हूं तो। सलमान भाई? भाई सलमान भाई जाने मन पिक्चर में जब लड़की बने थे तो मैं उनके भाई, मैं बता रहा हूं मैं बहुत ज्यादा वर्जिन हूँ भाई, मैं बहुत ज्यादा वर्जिन हूँ भाई। भाई मैं अपने बाप की कहीं गाना मार दूं, गान के लेने का रखा है यार। सबके यही हाल है भाई, कुछ नहीं कर सकते हम, बाप बाप होता है। भाई एक बात बोलो, मैं इतना वर्जिन हूँ कि चिल्ला हुआ मुर्गा देख के तन तना जाता है। भाई मैं इतना ज़्यादा वर्जिन हूँ, इतना ज़्यादा वर्जिन हूँ कि लोगों को जब स्वप्न दोष होता है तो उनके सपने में लड़की आती है तब उनको स्वप्न दोष होता है। मैं मेरे सपने में नदी में नहा रहा होता हूँ तब मुझको स्वप्न दोष हो जाता है भाई। भाई मैं इतना वर्जन हूँ कि लगता है कि गांधी मरवा लो, कम से सेक्स तो मिलेगा। तुम लोगों से नहीं भाई। भाई वैसा अगर हम लोग लड़की के कपड़े पहन के पीछे से गान मरवाए, बहुत मादरचोद निकल गए बे तुम तो। ये सब छोड़ो, अब एक ही रास्ता बचा है। मेरे पास एक प्लान है, हम सेक्स करके पैसे कमाएंगे। Why should girls have all the fun? गांजा फूंक लिए क्या बे? चुतिया गए है क्या बे? हम जिगोलो बनेंगे, जिगोलो। जिगोलो?
जिगोलो? वो क्या है? मुंबई की आंटियां लोग नए नए नौजवान लड़कों को पैसे दे के सेक्स करती हैं भाई, जब उनके पति रसिया चले जाते हैं। हाँ मैंने ये सुना है, सनसनी में। हाँ ये तो मैंने भी सुना है भाई। दिल्ली वाला जो मयंक है ना, गोरा चिट्टा वाला, वो जिगोलो है भाई। वो यही काम करता है और यही काम करके वो आज वोल्फ क्वाइगन की सफ़ेद कलर की पोलो खरीद लिया है। सोचो तुम लोग कितने गोरे चिट्टे हो भाई। मुंबई जाना है और वहाँ रुकने में तो बहुत पैसा लगेगा, उतना पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पास उसके लिए भी एक प्लान है। हम अपने घर वालों को एक ऐसी न्यूज देंगे जो सुनने के लिए वो बचपन से तड़प रहे थे। हम घर जाते ही बोलेंगे एकदम ड्रामा क्रिएट कर कि मम्मी मम्मी पापा पापा जल्दी आइए, भड़बड़ा के दोनों जन आएंगे। उतने में बोलेंगे हम लोग, ये देखिए ये क्या है। बोलेंगे क्या है? हम बोलेंगे हमने यशराज फिल्म में गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किया था 2 महीने पहले और आज देखिए उनका ऑफर लेटर आया है, अब आपका लड़का यशराज फिल्म में 20,000 रुपए की नौकरी करता है। मम्मी पापा चकरा जाएंगे। अब बंबई जाने के लिए, वहां रहने के लिए 1 महीने के तो पैसा लगेगा, वो पैसा घर वाले देबे ना करेंगे यार, ये बताओ। तो हम अपने घर वालों से बोलेंगे 7-7, 8-8 हज़ार रुपये हम लोगों को जाने के लिए, रहने के लिए वहाँ लगेगा, है ना, 1 महीने, जब तक हमारी सैलरी नहीं आ जाती। जैसे पैसा इकट्ठा हुआ सीधे मुंबई। मतलब हम लोगों को सेक्स करने के पैसे मिलेंगे? भाई दुनिया में इससे अच्छा बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। मान गए बाय, बहुत ही हरामी आदमी हो, क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। लेकिन जी लोगों, बनने से पहले मैं एक बार रुनझुन से बदला लेना चाहता हूँ। सच्चा प्यार करता था मैं उससे, लेकिन वो पल्सर वाले विक्की से पर गए। जाने से पहले बदला लेगा मैं। एक दिन तो बहुत बादर जी लोगो बनेगा। जी लोगो नहीं भाई, जिगोलो। वैसे बिल्लू तुम करने क्या वाले हो बे? शाम 6:30 बजे रुनझुन के बाप के कोचिंग में मिलो। चौदह काहे नहीं देते बे? भाई मैं जिगलो वाले न्यूज देखने जा रहा हूं। भाई एक चौथा वाला चाकू दे दीजिए। हाँ भाई। रुनझुन आई? अभी तक नहीं आई भाई। अरे शाम को ठीक 7 बजे रुनझुन का बाप अपनी कोचिंग से ब्रेकफास्ट करने अपने घर जाता है। ठीक उसी टाइम पे रोज रुनझुन 1 घंटे के लिए वहां आती है। 7 बजने में भी 3 मिनट बाकी हैं भाई। उसकी स्कूटी का नंबर C4207 है, देखते रहे ना, मैं 2 मिनट में आया। ठीक है। तुम क्या देख रहे हो बे? जिगोलो वाला न्यूज देख रहा हूं। कोई शक नहीं इस बात में कि हालात हैरान करने वाले हैं, लेकिन जिगोलो का वजूद कोई फिल्मी कल्पना नहीं बल्कि इस कलयुग की भाई मैं बोला था ना, दिल्ली और मुंबई की इन रईसादी आंटियों की इस जरूरत ने कई सारे बेकार नौजवानों को रोजगार का मौका तक दे दिया है। जब हमने इस मामले की तहकीकात की तो पुरुष मंडी के दलालों और उनके कस्टमर्स तक पहुंचने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। मन्नत मसाज पार्लर अखबार में। अरे बीएम सर जल्दी आ गए, वो भी रुनझुन दीदी की स्कूटर से। हाँ आज रुनझुन दीदी की तबीयत खराब थी ना, इसलिए सर जल्दी गए और जल्दी आ गए। गुड इवनिंग बीएम सर। होटलों में बुलाएंगी, अपने पास बैठने के लिए बोलेंगी, उसके बाद मुसम्मी का एक ग्लास जूस देंगी, आप वो जूस पिएंगे और वो जूस पीते ही मुझे बवासीर है। अरे मादा चोद यार, ये बब्बा कहीं बेटा एक मार देता है। जेल में बंद करो इसको। MH4207। ये भाई रुनझुन आ गई। बिल्लू को फोन लगा, जल्दी बिल्लू को फोन लगा। बिल्लू आ गया।
अब मजा आएगा। लेकिन तू कहने क्या बोला है? क्या करे बोला भाई? भाई अगर कुछ दिक्कत हुई तो बचाने आ जाना। हाँ भाई, तेरे लिए जान दे देंगे। तू बहुत प्यार करती थी ना अपनी स्कूटी से। ओए कुत्ते, कोई तो गुंडा सर की बेटी की स्कूटी तोड़ रहा है। अरे हाँ, सर को बताना चाहिए। हाँ। सर सर सर, कोई तो आपकी बेटी की स्कूटी तोड़ रहा है। सर सर सर। भाई कोई आ गया, भाग जल्दी भाग। क्या कर रहे हो बेटा? ए बुड्ढे, अपना काम करना लौड़े। हम रुंजुन के बाप है। कौन रुंजुन? महेश बचाओ, ए विष्णु बचाओ। तेरी माँ की चूत। अरे मादर चोद, मादर चोद, रुंजुन का बाप निकला। अबे उसका बाप जब आए तो तुम भागे काहे नहीं बे? नहीं भाई, हम उसके बाप को कभी नहीं देखे थे। आप सुनो, अपने अपने घर चलो और पैसे का जुगाड़ करो। प्लान कैंसिल नहीं होना चाहिए। भाई कुछ भी हो जाए, पैसे का जुगाड़ कल तक हो जाना चाहिए, जिससे परसों के परसों हम लोग मुंबई निकल लें। शो मस्ट गो ऑन।